हेलो, नमस्कार, आदाब। आज की बात प्रारंभ करें इससे पहले एक रोचक तथ्य बता दें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 18-19 मई को आयोजित होने जा रही है, जिसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 22 मई को होगी। इस बार का एजेंडा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी सारे विश्व की सेहत की कवरेज। बड़ा ही महत्वाकांक्षी एजेंडा है, पर क्या ये पूरा हो सकेगा? 1978 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिक्लेरेशन पास किया था जिसका स्लोगन था हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, वर्ष 2000 तक सेहत सबके लिए। जब 2000 करीब आता दिखा और आवश्यकता पड़ी कि इस स्लोगन को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए, तो एक नया स्लोगन सामने आया, हेल्थ फॉर ऑल इन द 21st सेंचुरी। पर जब पेंडेमिक ने चारों ओर से हमको घेर रखा हो और मौतें हो रही हों, तो हेल्थ फॉर ऑल का स्लोगन बेमानी हो जाता है। इसलिए 2020 में जो एजेंडा है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का है। भारत में तो हम पॉलिटिशियंस द्वारा ऐसे स्लोगन सुनने के आदि हैं, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी है कि बढ़ती ही जा रही है। ऐसे कितने ही स्लोगन्स आपने हर इलेक्शंस के पहले सुने होंगे, पर ऐसा विश्वव्यापी स्तर पर भी होता है हमको नहीं पता था। ये सब हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप जान सकें कि भारत के सामने कितने चैलेंजेस हैं जब वो 3 वर्ष के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की चेयरमैनशिप संभालता है 22 मई को। आज के इस एपिसोड को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम बताएंगे भारत के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस पोजीशन को संभालने पर, विशेष रूप से ताइवान के हवाले से, और दूसरे भाग में हम बताएंगे ताइवान का रोचक इतिहास और क्या है मतभेद चीन और ताइवान के बीच। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि खबरों के पीछे की खबरों को पेश करने की हमारी कोशिश को आप पसंद कर रहे हैं। सराहना के मेल्स और फोन कॉल्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी खबरों को अपने मित्रों और ग्रुप्स को भी फॉरवर्ड करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक ये खबरें पहुंच सकें। बीते दिनों में हमने भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो बड़ा बदलाव देखा है वो ये कि हम और अधिक आक्रामक हो गए हैं डिप्लोमेसी के मामले में। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कोशिश रही है कि विश्व स्तर पर हर बड़ी संस्था में कोई सक्रिय रोल निभाए और हर एलीट क्लब में मेंबर हो। अब भारत के सामने सबसे बड़ा अवसर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज तक दिला सकता है। ये अवसर है ग्लोबल पैंडेमिक के बीचों बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप संभालने का। एक खबर में हम आपको बता चुके हैं कि हमने कोशिशें प्रारंभ कर दी हैं फिर से नॉन अलाइन मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथों में लेने की। आने वाले दिनों में आपको इससे जुड़ी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। WHO में भारत के लिए बड़ा चैलेंज होगा यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बढ़ते मतभेद मैनेज करने का, विशेषकर इसलिए कि मतभेद की जड़ें हेल्थ क्राइसिस में हैं। कुछ सप्ताह पूर्व डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका द्वारा WHO को दी जा रही फंडिंग पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि उसने चीन की PR एजेंसी के रूप में काम किया। US ने WHO की फंडिंग रोकी तो चीन ने एक कदम आगे आकर $30 मिलियन की एक्स्ट्रा फंडिंग करने की घोषणा कर दी। इस पर हमने 3 मई के अपने प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा की थी। नई खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फिर से कुछ सपोर्ट देने की घोषणा की है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो उतना ही रकम देंगे जितनी चीन दे रहा है। आपको बता दें कि सपोर्ट रोकने से पहले तक यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हर वर्ष $400 मिलियन का सपोर्ट देता था। यदि यूनाइटेड स्टेट्स चीन के बराबर सपोर्ट करने की बात कर रहा है तो ये पिछले सपोर्ट का करीब 10वां हिस्सा ही होगा। WHO के सामने इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया के तमाम संसाधनों को एकजुट करके इस पैंडेमिक के इलाज पर काम करने का और मुमकिन हो सके तो कोई वैक्सीन डेवलप करने का। उसका एक महत्वपूर्ण रोल तमाम देशों को इस पैंडेमिक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराना है। US ने WHO की फंडिंग तो कम की ही है, पर उसने इस संस्था पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसने WHO के सामने बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसको चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक बोलने लगे। समय बताएगा कि तथाकथित चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर अपना प्रभुत्व बनाकर भारत आने वाले चैलेंजेस से कैसे निपटेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि ये पैंडेमिक भारत के लिए विश्व लीडरशिप हासिल करने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अवसर तो है, ये हम भी मान रहे, पर ये केवल विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न संस्थाओं की लीडरशिप प्राप्त करके नहीं होने वाला है। देश के आंतरिक हालात को सुधारना होगा और देशवासियों में फैल रही नेगेटिव सोच को विकासवादी और प्रगतिशील सोच से बदलना होगा। इस पर हम पहले भी बात करते रहे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी संस्था की लीडरशिप अपने हाथों में लेने का अर्थ है कि इस संस्था के अंदर भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल दबाव से
भारत को बचना मुश्किल हो जाएगा। ये उठापटक प्रारंभ हो ही चुकी है, इससे पहले कि भारत के हाथ में WHO की लीडरशिप आए। यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश प्रारंभ कर दी है कि ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के गवर्निंग फोरम में दाखिल किया जाए। इस संदर्भ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने 7 देशों की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इसराइल, जापान, साउथ कोरिया समेत भारत भी था। आप देख सकते हैं कि ये वो देश हैं जो US के सबसे करीबी मित्रों में गिने जा सकते हैं। लेकिन जैसा हम अपनी कल की खबर में दिखा चुके हैं, जब इसराइल US का दामन छोड़ चीन के पाले में जाता दिख रहा है तो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। यदि ताइवान को शामिल करने पर WHO के अंदर वोटिंग होती है तो चीन इसमें बाजी ले जा सकता है। चीन ने अपनी कोशिशें प्रारंभ कर दी हैं। माइक पोम्पियो की मीटिंग के 2 दिन बाद चीन और रशिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग में भारत को आमंत्रित किया, जिसमें चीन के हिमायती देश शामिल थे और पैंडेमिक पर हो रहे काम का विश्लेषण किया। जो देश ताइवान की हिमायत में सामने आ रहे हैं, चीन ने विभिन्न डिप्लोमेटिक तरीकों से उन पर प्रेशर बनाना प्रारंभ कर दिया है। भारत के बॉर्डर्स पर चीन का अचानक आक्रामक होना इसी कड़ी का हिस्सा है। कुछ और भी कारण हैं जिनसे ताइवान की दावेदारी मजबूत होती है। जहां एक ओर स्पेन से लेकर भारत और पाकिस्तान में चीन द्वारा भेजी गई टेस्टिंग किट्स नकली निकलने की खबर आ रही है, वहीं ताइवान खामोशी से इस पेंडेमिक से लड़ाई में सहयोग देता आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ताइवान के हित में जाती है, वो ये कि चीन से बहुत अधिक आवाजाही होने के बावजूद ताइवान में केवल 440 संक्रमित केसेस सामने आए, जिसमें कुल 7 ही मौतें हुईं। ताइवान यदि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेज पर अपने तजुर्बे शेयर करता है तो ये अन्य देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे पत्रकार मित्र जोस कालाथिल, जो बीते दिनों में ताइवान पर विशेष रूप से लिखते रहे, उन्होंने बताया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको ताइवान भी कहते हैं, उसकी ओर से एम्बेसडर चुंग क्वांगतीन ने इसी महीने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नील कमल सिंह को 1 मिलियन फेस मास्क भेंट किए, ताकि फ्रंटलाइन मेडिकल पर्सनल्स का बचाव हो सके। एम्बेसडर तीन ने इस मौके पर बताया कि ताइवान ने दुनिया को दिखा दिया कि पहले से की हुई तैयारी, सरकार की ओर से लागू की गई सही पॉलिसी, जनता का अपनी सरकार पर पूर्ण भरोसा और 2003 SARS महामारी से ली गई सीख के कारण इस बार महामारी से आसानी से जीता जा सका। उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान को अपने एक्सपीरियंस को विश्व के दूसरे देशों के साथ साझा करने में खुशी होगी। साफ है कि ताइवान भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फोरम में दाखिले को बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। यही चुनौती चीन को अखर रही है, लेकिन चुनौती भारत के लिए भी है। कई वर्षों से भारत विश्व स्तर पर बीच का रास्ता ढूंढ कर निकलता आया है। ये आदत शायद नॉन अलाइंड मीट के दिनों में बनी, जब भारत ने कोल्ड वॉर के दौरान प्रत्यक्ष रूप से दोनों सुपर पावर्स में किसी एक ग्रुप में जाने के स्थान पर नॉन अलाइंड रहने का निर्णय लिया था। अगले 3 वर्षों में भारत को कई कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उसे आर पार के निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब आइए आज की खबर के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं। क्या है ताइवान चीन के बीच झगड़े की कहानी और क्या है दो देशों के बीच टेंशन के कारण? कहते हैं कि चाइनीज रिकॉर्ड्स में इस द्वीप का पहला उल्लेख 2039 AD में मिलता है, जब चीन की नौकाएं इस द्वीप के तट तक पहुंची थी। ताइवान पर दावेदारी के लिए चीन इसको सबूत के रूप में पेश करता है, पर यह सबूत कमजोर है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो कोलंबस ने जब 1494 में अमेरिका की खोज की थी तो अमेरिका पर पोर्चुगल का कंट्रोल होना चाहिए था। कहते हैं कि 1500 के आसपास कई यूरोपियन समुद्री जहाज इस द्वीप के करीब से गुजरे तो इसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने इसको इल्हा फॉर्मोसा नाम दिया, जिसका अर्थ था खूबसूरत द्वीप। 1624 से 1661 के बीच ताइवान पर नीदरलैंड का कब्जा रहा, पर यह द्वीप डच कॉलोनी अधिक समय तक नहीं रह सका। इस बीच ताइवान में माइग्रेंट्स का आना बढ़ता गया। चीन के हुक्मरानों के जुल्म से तंग आकर फुजियान प्रोविंस से बहुत से होकलो चाइनीज और ग्वांगडोंग प्रोविंस से हक्का चाइनीज ने ताइवान को अपना घर बनाया। इन्हीं 2 माइग्रेंट ग्रुप्स के वंशज आज ताइवान में सबसे अधिक संख्या में। लेकिन 1683 में चीन की किंग डायनेस्टी का ताइवान पर भी कब्जा हो गया, जो 1895 तक रहा। चीन इसको दूसरे सबूत के रूप में पेश करता है, ये साबित करने के लिए कि ताइवान चीन का हिस्सा है। 1895 में पहला चीनी जापानी युद्ध हुआ, जिसमें चीन की हार हुई और किंग डायनेस्टी के पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय इसके कि ताइवान को जापान को सौंप दे। पर दूसरे विश्व युद्ध में रिपब्लिक ऑफ चाइना भी विजयी देशों के साथ था, क्योंकि जापान से तो चीन भी लड़ रहा था। जापान ने सरेंडर किया तो ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स की मर्जी से ही चीन ने ताइवान को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया। ताइवान अब फिर से चीन का था, लेकिन यही समय था जब चीन के अंदर सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो रही थी। चीन का रूलर चियांग काई शेक था, लेकिन चीन में माओ ज़ेडुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी पैर पसारती जा रही थी।
चीन के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें एक ओर माओजेदोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट थे तो दूसरी ओर चियांग काईशेक की फौजें। चियांग काईशेक को दिखाई दे रहा था कि वो अधिक दिन चीन की सत्ता पर कब्जा बनाए नहीं रह सकते। कम्युनिस्टों की फौजें उन्हें हर ओर शिकस्त दे रही थी। ऐसे में 1949 में चियांग ने फैसला किया कि उनकी सरकार, उनकी फौजें, उनके लॉयल लोग, उनकी फैमिली सब ताइवान ट्रांसफर कर दें। फिर प्रारंभ हुआ एक मैसिव रिलोकेशन कैंपेन, जिसमें हवाई जहाज, समुद्री नौकाओं आदि से सारा सामान करीब 2100 किलोमीटर दूर स्थित ताइवान में शिफ्ट किया गया। मेनलैंड चाइना से आए करीब 1.5 मिलियन लोग, जो ताइवान की जनसंख्या का करीब 14% बनते थे, बड़े समय तक ताइवान पर हुकूमत करते रहे। इन्होंने ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना दिया, जो चीन का नाम था जब चियांग की वहाँ हुकूमत थी। बड़े दिनों तक इनको आस थी कि ये फिर से मेनलैंड चाइना पर अपना कंट्रोल जमा लेंगे। चियांग और उसके सहयोगियों की ताइवान पर हुकूमत 2000 तक रही, जिस दौरान इन्होंने हर उठने वाली आवाज़ को बड़ी बेरहमी से कुचला। 2000 में चियांग के पुत्र चियांग चिंगकुओ ने ताइवान को डेमोक्रेसी के पथ पर लगाया और एक चुनी हुई सरकार बनी। उधर माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल कर लिया, जो आज तक कायम है। इन्होंने चाइना का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दिया। बड़े वर्षों तक रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया भर को समझाने में लगे रहे कि हम चीन की असली सरकार हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी सियासत का क्या किया जाए। यूनाइटेड नेशंस में 1971 तक चियांग की रिपब्लिक ऑफ चाइना चीन का प्रतिनिधित्व करती थी, पर यूनाइटेड स्टेट्स को सोवियत यूनियन से चल रही कोल्ड वॉर में सोवियत बॉर्डर से सटे मेनलैंड चीन से दोस्ती निभानी थी। इस कारणवश 1971 में यूनाइटेड नेशंस ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को बाहर का रास्ता दिखाया और कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूनाइटेड नेशंस की ना सिर्फ मेंबरशिप दी, बल्कि विरोधाभास देखिए कि 1955 में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में रिपब्लिक ऑफ चाइना को वीटो दे सकने वाले 5 देशों में शामिल किया गया था। 1971 में जब यूनाइटेड नेशंस ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को बाहर करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को शामिल किया, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना वीटो भी नहीं कर पाया अपने बाहर निकाले जाने पर। ताकत के गेम में ताकत अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थी। आज ऐसा नहीं है कि ताइवानी और चीनी लोगों में रिश्ते खराब हैं। ताइवानी कंपनियों ने करीब $60 बिलियन चीन में इन्वेस्ट कर रखे हैं और करीब 10 लाख ताइवानी चीन में रहकर ताइवानी कंपनियां चला रहे हैं। ताइवान में एक ग्रुप चीन के साथ रहना चाहता है तो एक आज़ाद रहना चाहता है। ताइवानी इलेक्शंस में जो सरकारें बनती हैं उनमें कभी उनकी बनती है जो आज़ाद रहना चाहते हैं और कभी उनकी जो इस मुद्दे पर अधिक सक्रिय नज़र नहीं आते। इस समय ताइवान में जो सरकार है उसको हेड साई इंग वेन कर रही हैं, जिनके रिश्ते प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत करीबी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने राजनीतिक लाभ के कारण पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सपोर्ट दिया था, लेकिन अब चीन की वही कम्युनिस्ट सरकार यूनाइटेड स्टेट्स को ही आंखें दिखाने लगी है और उसके प्रभुत्व को चैलेंज करने लगी है। इसलिए ताइवान को समर्थन देना यूनाइटेड स्टेट्स की मजबूरी है। भारत के लिए तो आवश्यक है कि ताइवान का समर्थन करे, क्योंकि माओ का जो ग्रेटर चाइना का सपना है उसमें ताइवान के साथ भारत के कई हिस्से जैसे सिक्किम भी शामिल हैं। ताइवान भले ही आज़ाद देश के समान व्यापार कर रहा हो, परंतु WHO यूनाइटेड नेशंस में आज भी ताइवान को चाइना की एक प्रोविंस की तरह देखा जाता है। WHO में तो ताइवान ऑब्जर्वर के रूप में पहले रह चुका है, लेकिन चीन ने जोड़ तोड़ कर उसको बाहर करवा दिया। अब जब फिर से ताइवान को WHO में ऑब्जर्वर के रूप में लेने की बात हो रही है, तो चीन ने सियासी बिसात बिछाना फिर से प्रारंभ कर दी है। रियल न्यूज़ इंटरनेशनल का ये प्रोग्राम अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वयं कुशल रहिए और आस पड़ोस के लोगों की कुशलता का भी ध्यान रखिएगा।